हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भाई IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा, एक बहुत ही अहम टॉपिक सेंसिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेंसिंग क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल भी कतई भी पता नहीं है तो भैया आप सही पते पे आ चुके हो, सही एड्रेस पे आ चुके हो, सही वीडियो पे आ चुके हो जहां पे एक बेसिक आइडिया रिलेटेड टू सेंसिंग मैं आपके दिमाग में डालने वाला हूं कि भाई साहब आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू मैं डिलीवर करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी यहां पे इस वीडियो में बनी रहने वाली है। तो भाई सेंसिंग ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये IoT में या फिर कहीं भी कह लो यार, जैसे कि सेंसिंग इंपॉर्टेंस क्या है उसका, अब मैं उसका रिलेवेंस जो है वो बताने की कोशिश करता हूं। मान लो भाई आपकी जो बॉडी है ये आपका IoT सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये आपका सिस्टम है बॉडी, और इसमें भी भैया बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं बराबर, जो सेंसिंग का काम करते हैं, जैसे आंखें हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, टंग हो गया, बराबर है, टच करना है तो आप स्किन, तो ये सारी चीजें जो है भैया ये सेंस कर रही हैं आपके उस एनवायरनमेंट को, ताकि आप एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सको, आप सही डिसीजंस ले सको, सही एक्शंस परफॉर्म कर सको, बराबर। अब मान लो भाई साहब अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस जानना है तो वो इंपॉर्टेंस आप तब जान पाते हो जब वो आपके पास नहीं होता, सही बात है कि नहीं। मान लो इसमें से किसी एक सेंस ने धोखा दे दिया, मान लो जो ये टच सेंस है इसने धोखा दे दिया, ये आपका काम नहीं कर रहा है, तो अगर गलती से समझ लो आप किसी नुकीली के चीज के पास चले जाते हो, या फिर समझ लो कहीं कुछ आग जल रही है उस चीज के पास आप चले जाते हो, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स जो है, जो रिजल्ट्स हैं उसका सामना आपको करना पड़ेगा, बिकॉज तब आप वो सेंस नहीं कर पा रहे हो कि आग जल रही है, उसे आप सेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपको चुभ रहा है वो सेंस नहीं कर पा रहे हो, आप टच जो है ये सेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इस की वजह से आप एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स जो है अपना नहीं दे पाओगे, अपने एक्शंस जो है वो करेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, रिजल्ट्स जो है वो खराब होंगे, गलत होंगे, आपके अपोज में होंगे, जो आपका जो ये IoT सिस्टम है, ये जो बॉडी है इसके लिए हानिकारक होगा। तो उसी तरीके से सिमिलरली सेंसिंग आपके IoT सिस्टम पे भी लागू करता है कि अगर भैया सेंसिंग एलिमेंट्स जो हैं आपके IoT सिस्टम के अगर वो गड़बड़ हो जाते हैं तो आपका जो IoT सिस्टम है वो आपको कतई भी एक्यूरेट करेक्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपके सेंसिंग एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक्यूरेसी, उनका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके IoT सिस्टम को किसी भी खतरे से बचाने के लिए, करेक्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए, एक्यूरेटली करेक्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए, प्रॉपर एक्शंस को सही टाइम पे परफॉर्म करने के लिए सेंसिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये तो जान लिया भैया कि ये, हाँ चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर मुद्दा है आपके IoT से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भाई ये जो सेंसिंग है, ये जो सेंसर्स होते हैं ये आखिर क्या कर रहे हैं, इनका एक बेसिक डेफिनेशन भी तो भाई कुछ होगा, तो वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सेंसर्स भाई साहब यहाँ पे जो ये सेंसर होते हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट कह लो, या फिर दे आर ट्राइंग टू सेंस, सेंसर्स जो है दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट, दे आर ट्राइंग टू सेंस द चेंज इन द एम्बियंट कंडीशंस, जो भी आपका वातावरण है, एनवायरमेंट है, एम्बियंट कंडीशन है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करना, सेंस करना, वो कर रहे हैं आपके सेंसर। साथ ही साथ नॉट ओनली द एम्बियंट कंडीशंस चेंजेस, साथ ही साथ मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस की स्टेट में चेंज आ रहा है तो वो भी सेंस करने का, डिटेक्ट करने में आपके सेंसर जो है काम आते हैं। साथ ही साथ सिस्टम के स्टेट में भी जब चेंज आ रहा है, आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसे भी डिटेक्ट सेंस करने में सेंसर्स काम आते हैं। जैसे कि भाई साहब समझ लो आपका कोई डिवाइस है, सिस्टम है, डिवाइस कह लो, सिस्टम कह लो, वो अभी इनिशियली आइडल स्टेट में, वो उसको कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर उसका जो स्टेट है जो आइडल स्टेट से बिजी स्टेट में आता है, तो यहां क्या हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, जिसे डिटेक्ट करना, जो जिसे सेंस आपका सेंसर कर सकते हैं, और फिर बाद में किसी तरीके से वो जो इन्फॉर्मेशन उसे वो प्रोसेस या फॉरवर्ड करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो भैया ये रहा आपका सेंसर का बेसिक सा डेफिनेशन। अब दोस्तों देखो सेंसर बहुत सारे तरीके के हैं, बहुत सारे तरीके के हैं, कि भैया क्वांटिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर सेंसर भी है, आपको एक तरीके से कलर करना है, कलर सेंसर है, गैस सेंसर है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसे बहुत सारे सेंसर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है स्पेसिफिक यूज के लिए, स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जब आप हम लोग सेंसर्स की, सेंसिंग की बात करते हैं, बिकॉज ये जो सेंसर्स होते हैं दोस्तों ये बड़े स्पेसिफिक ही होते हैं। क्यों भाई स्पेसिफिक एक तरीके से कैसे और क्यों होते हैं, देखो अगर आप टेम्परेचर इस क्वांटिटी को
मेजर करना चाहते हो तो आप टेम्परेचर सेंसर यूज करोगे। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये सिर्फ टेम्परेचर के चेंजेस को ही सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, बाकी और किसी दूसरे क्वांटिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं उससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता। मान लो आपने टेम्परेचर सेंसर लगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा टू द टेम्परेचर, बराबर, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको वो सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा। उस टेम्परेचर सेंसर को कुछ भी लेना देना नहीं है कि भाई प्रेशर में चेंज हो रहा है, भाई कलर में चेंज हो रहा है, उसको कुछ नहीं लेना देना। ही इज ओनली कंसर्न विथ, ही और शी जो भी होगा, इट इज ओनली कंसर्न, ही और शी सेंसर में कहां आया भाई, इट इज ओनली कंसर्न विद द चेंज इन द टेम्परेचर, एंड उसे वो सेंस करने का एक तरीके से काम करेगा। और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो इनकी एक बहुत ही एक क्रूशियल बात है ये सेंसर्स की, कि जो भी जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको वो अफेक्ट नहीं करेंगे, आपके सेंसर्स उसको वो अफेक्ट नहीं करेंगे, उसे सिर्फ क्या करेंगे वो सेंस करेंगे। मतलब क्या कि मान लो आपने जो टेम्परेचर सेंसर रखा है ओके टू यू नो गेट द चेंजेस इन द टेम्परेचर, टू सेंस द चेंजेस इन द टेम्परेचर, तो भाई वो सिर्फ सेंस कर रहा है, वो आपके टेम्परेचर इस क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब वो जो सेंसर है वो आपके उस टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेंसर्स।